ओके फ्लैग स्टाफ जानते होंगे आप जिसमें आप फ्लैग लगाते हो अपने कंट्री का या किसी सिंबल का तो पहले कोई टावर होगा ओके okay, कोई बिल्डिंग होगी उसके ऊपर आपने फ्लैग स्टाफ लगाया होगा तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक लाइन और ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है ग्रीन लाइन जो मैं दिखा रहा हूँ ये रिप्रेजेंट कर रही है बिल्डिंग को ओके इस बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग स्टाफ लगा होगा तो बिल्डिंग के ऊपर मैंने फ्लैग स्टाफ दिखा दिया ये ब्लू लाइन फ्लैग स्टाफ को दिखा रही है ओके okay, जी मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि ये पोर्शन फ्लैग स्टाफ को दिखा रहा है एंड ये जो ग्रीन पोर्शन है ये टावर को रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है ना टावर के ऊपर फ्लैग स्टाफ लगा हुआ है अब दोबारा पढ़ता हूँ क्वेश्चन को बोला गया है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ऑन द ग्राउंड तो ये ग्राउंड मैंने दिखाया है इस ग्रीन लाइन से इस पर कोई पॉइंट ओ ले लिया है मैंने तो मान लेते हैं ये मेरा पॉइंट है ओ ओके okay? ये पॉइंट ओ है ग्राउंड पर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टार टावर का टॉप देखो यहाँ पर है टावर का टॉप ये है और टावर का बेस या बॉटम या फुट ये है लेकिन अगर फ्लैग स्टाफ की बात होगी तो फ्लैग स्टफ़ स्टाफ का टॉप ये रहेगा और बॉटम ये रहेगा आई होप समझ में आ गया आपको ओके okay, यूँ समझो कि किसी टावर पर या किसी बिल्डिंग पर आपने एक फ्लैग स्टाफ लगाया हुआ है ठीक है जी तो फ्लैग स्टाफ का टॉप ये हो गया बॉटम ये हो गया और टावर का टॉप ये हो गया और बॉटम ये हो गया एक बार फिर देखते हैं क्वेश्चन को द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ़ द टॉप ऑफ अ टावर इज टार्टी डिग्री टॉप ऑफ टावर मतलब इसकी बात हो रही है इसकी बात हो रही है तो आप ओ पॉइंट से इसे देख रहे हो तो ओ पॉइंट से इसे आप देख लो ओके okay? और ओ पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो जो कि ऑलरेडी ड्रॉ है इनके बीच जो एंगल होगा उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन और वो गिवन है थर्टी डिग्री आगे बढ़ते हैं एंड दैट ऑफ द टॉप ऑफ फ्लैग स्टाफ ऑन द टॉप ऑफ टावर टावर के ऊपर जो फ्लैग स्टाफ है जब उसके टॉप को देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन सिक्सटी डिग्रीज है इसी पॉइंट से आपने आप किसको देखा है फ्लैग स्टाफ के टॉप को देखा है टॉप मतलब ये आपने देखा है तो अब जो एंगल बन रहा है वो सिक्सटी बन रहा है ओके okay? ये पूरा एंगल कितना बन गया सिक्सटी बन गया है okay? ओके कुछ पॉइंट्स के मैं नाम रख लेता हूँ ये टावर का बेस है ये टावर का टॉप है और ये फ्लैग स्टाफ का टॉप है कुछ इस तरह से मैंने रख लिए हैं तो प्लीज़ समझिए जो एंगल एफ़ ओ बी है ये सिक्सटी है पूरा और एंगल टी ओ बी है ये थर्टी डिग्री है क्लियर अब हमें बताना है इफ़ द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज़ फाइव मीटर्स ओके ये एफ़ टी की वैल्यू भी फाइव मीटर्स की है ये भी फ़ाइव मीटर्स की है हमें बताना है टावर की हाइट कितनी होगी ये टी बी कितना होगा ये बताना है ओके तो पहले आप देख लो राइट एंगल ट्राइंगल्स उन राइट एंगल ट्राइंगल में आप चलो और ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करो और उसके बाद बताओ कि टी बी कितना होगा तो पहले मैं ट्राइंगल एफ ओ बी में चलता हूँ इन ट्राइंगल एफ ओ बी ओके किसी भी ट्राइंगल से आप शुरुआत कर सकते हो ट्राइंगल एफ़ ओ बी एक राइट एंगल ट्राइंगल है इस वजह से मैं इस ट्राइंगल में आया हूँ ये राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि Uh, इस वर्टिकल लाइन और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच ये एंगल 90 डिग्री है ओके चलिए ठीक है तो इस इस ट्राएंगल में मैं टैन थीटा यूज़ करूँगा टैन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है थीटा की वैल्यू यहाँ पर थर्टी डिग्री है टैन थर्टी और परपेंडिकुलर पेंडिकुलर थर्टी के ठीक सामने सॉरी सिक्सटी डिग्री है माय मिस्टेक मैं पूरे ट्राएंगल में हूँ और पूरे ट्राएंगल का ये एंगल सिक्सटी डिग्री है ओके सो एक्सक्यूज मी फॉर दिस मिस्टेक ना no, परपेंडिकुलर तो इस पूरे ट्राएंगल में अगर आप परपेंडिकुलर जानना चाहते हो तो यू you नो know, जिस एंगल के बारे में आप बात करते हो उसके ठीक ऑपोजिट जो साइड है मतलब एफ़ बी तो ये एफ़ बी है परपेंडिकुलर ठीक है जी एफ बी हो गया परपेंडिकुलर और बेस हो गया आप यू नो नाइनटी के ऑपोजिट जो ये साइड है ये तो हाइपोटेन्यूज कहलाएगा और एफ बी हो चुका है परपेंडिकुलर तो बचा वही बेस है ओके ओ बी की वैल्यू बेस हो गई ओ बी बेस हो गया अब टेन सिक्सटी की वैल्यू रूट थ्री होती है अगर वैल्यूज़ नहीं याद हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लीजिएगा वो आपकी हेल्प करेगा वैल्यूज़ को लर्न करने के लिए इसे यहीं छोड़ देते हैं ओके okay? नहीं छोड़ते नहीं हैं कुछ हमारे पास और भी है इस एफ़ बी को मैं ब्रेक कर सकता हूँ आप फाइव प्लस टी बी में इस एफ़ बी को मैं लिख सकता हूँ फ़ाइव प्लस टी बी में तो आगे बढ़ता हूँ मैं मैं लिखता हूँ रूट थ्री इज़ इक्वल टू रूट थ्री इज टू फाइव प्लस टी बी अपॉन आपको समझ आ गया होगा कि मैं एफ बी की जगह इस पूरे की जगह लिख रहा हूँ फाइव प्लस टी बी और इस बात से कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आगे बढ़ता हूँ ओ बी को मैं ओ बी लिखता हूँ बिकॉज ओ बी के बारे में आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन ठीक है ना इसको छोड़ते हैं और आगे चलते हैं किसी और राइट एंगल ट्राएंगल्स में तो द नेक्स्ट राइट एंगल ट्राएंगल विच आई कैन यूज इज टी बी और दिस राइट एंगल ट्राइंगल ओके इस राइट एंगल ट्रांगल में यूज़ करते हैं अप्लाई करते हैं आर ट्रिग्नोमेट्री इन टी बी ओ ट्राएंगल इन ट्राएंगल टी बी ओ यहाँ भी टैन यूज़ करूँगा क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर और बेस से मतलब है हाईपोट न्यूज़ ना फाइंड करना है ना वो हमारी हेल्प कर रहा है तो हाईपोट न्यूज़ वाले रेशियोज़ लाइक साइन और कॉज से हम दूर हैं टैन पर आते हैं यहाँ तीटा की वैल्यू थर्टी है परपेंडिकुलर की वैल्यू टी बी है और बेस की वैल्यू ओ बी है कन्फ्यूज़ ना हो मैं सब दिखा देता हूँ देखो जी इस राइट एंगल ट्राएंगल में थीटा की वैल्यू थर्टी है और थीटा के ठीक सामने के साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर वो टी बी है और ये रहा बेस ये ओ बी है ओके जी चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी टेन थर्टी डिग्री की वैल्यू वन एपॉन रूट थ्री होती है टी बी की वैल्यू टी बी लिख लो ओ बी की वैल्यू ओ बी लिख लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आपको मिलेगा रूट थ्री इंटू टी बी इज एकवल्स टू ओ बी ओके अब आपको टी बी फाइंड करना है ना तो टी बी को तो यहाँ ना दो इस ओ को हटाते हैं तो ओ को हटाने के लिए इसे जिसको आपने छोड़ा था ना इसको थोड़ा तो सिम्प्लीफाई कर लो आप आँग। तो आप देखोग इसे सिम्प्लीफाई करोगे ना तो इसे सिम्प्लीफाई करने से आपको ओ की वैल्यू मिलेगी फाइव प्लस टी बी अपॉन रूट थ्री इसे सिम्प्लीफाई करने से आपको, आपको ओ की वैल्यू मिलेगी फ़ाइव प्लस टी बी अपॉन रूट थ्री तो यही चीज़ यहाँ यूज़ कर लेते हैं रूट थ्री टी बी इज एकवल टू ओ की जगह लिखते हैं फाइव प्लस टी बी अपॉन रूट थ्री क्लियर अब ये रूट थ्री जाएगा लेफ्ट साइड में तो इस रूट थ्री को मल्टीप्लाई करेगा रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री हो जाएगा तो ये बनेगा थ्री टी बी इज इक्वल्स टू फाइव प्लस टी बी अब इस टी बी को भेज देते हैं लेफ़्ट साइड में थ्री टी बी माइनस टी बी हो जाएगा टू टी बी टू टी बी की वैल्यू फाइव हो जाएगी टू टी बी की वैल्यू फाइव हो जाएगी तो टी बी की वैल्यू हो जाएगी फाइव अपॉन टू मतलब टू पॉइंट फाइव तो ये टू पॉइंट फाइव मीटर आ चुका है यही आंसर है आई होप एयर क्लियर